कोरोना के चलते 2 साल की विराम के बाद भोपाल में आईएएस सर्विस मीट फिर से हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन अकादमी में दीप प्रज्वलित कर इस 3 दिवसीय मीट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड में टीम मध्य प्रदेश ने परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी थी। टीम मध्य प्रदेश को बधाई। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में कलेक्टरों की तारीफ करते नजर आए। डिंडोरी बड़वानी और सीहोर कलेक्टर की तारीफ की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें विनम्र रहकर काम करना आना चाहिए, अहंकार शून्य रखकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर सीएम ने अधिकारियों को सलाह दी कि आप अपने परिवार बच्चों को समय जरूर दें। परेशानियों में से घर आने पर उत्साह मिलता है। टीम तनाव में न रहे, प्रसन्न रहे। मेरे परिवार के सदस्य हैं आप सब, हम एक फैमिली के मेंबर मिलके एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्रिय साथियों, सबके लिए एक सुखद साल है। हम सबको क्योंकि हवा में बिना मास्क के साथ लेने का मौका मिलता है। बीच में आया था कि गड़बड़ होने वाली है, उसे एडवाइजरी जारी हो गई थी कि मास्क लगाओ, सभी स्वस्थ रहना चाहिए, परिवार का वातावरण अच्छा है। और इसमें मैं भी कोशिश करता हूं और मैं आपको सलाह दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड सलाह दे रहा हूं, बच्चों का ध्यान रखो, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और उससे बड़ा है प्यार और संस्कार। ये सर्विस में भूल जाते हैं, परिवार में पार्टनर का था, उनको रखना ही चाहिए क्योंकि हमारी व्यस्त लाइफ, व्यस्त जिंदगी ऐसी रहती है जिसमें इन चीजों के लिए कई बार समय नहीं मिलता। ये बहुत संवेदनशील मामले, इनका दूसरा कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं इस मीट की का इंतजार इसलिए कर रहा था कि आपको ये क्षण मिले कि जिसमें व्यस्तताओं में से निकल के आप हर्ष और आनंद के पुष्पल बिताएं, खेलें कूदें, अनौपचारिक बात करें और अपने परिवार को भी समझें। हम टीम लीडर है, हमको लीडर मान के हम उनके लिए आइडियल होना चाहिए। साहब ने ये कह दिया तो साहब ने कह दिया तो डर के नहीं कर रहे, साहब हमारे हीरो है, आइडियल है, इसलिए हम करेंगे। साहब के लिए हम टारगेट करके बताएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास नरोना अकादमी और बाकी है तो हम कर सकते हैं। इसको जरा विरोध भी नहीं किया ढंग से भाई आप लोगों की टीम को। मुझे लगता है नीचे हमारी टीम एनर्जेटिक रहे, उत्साह भी रहे, स्वस्थ भी रहे, प्रसन्न भी रहे, कर्मचारी कल्याण की खुशी है कि वही हमारी टीम। तो आस पास के देशों में भी देखते हैं तो स्थिति अभी भी वहां सामान्य नहीं, लेकिन ये भारत के प्रयत्न है, हमारा वैक्सीनेशन और बाकी सारे प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं उसके कारण हम ये कह सकते हैं हमने बहुत हद तक कोविड पर विजय प्राप्त कर ली।